नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र शुरू हो गए हैं तो आज हम नवरात्र के लिए लाए हैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके लिए मैंने देखिए एक खीरा लिया हुआ है, ये ताज़ा खीरा है और जब भी आप लें तो चेक कर लें कि कड़वा ना हो, क्योंकि कड़वा यदि खीरा होगा तो नाश्ता बनाएंगे वो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जब भी हो तो टेस्ट कर लें। तो इसके लिए मैंने एक खीरा लिया है, ये ताज़ा खीरा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर का पोर्शन हटा देते हैं और चाकू की सहायता से कट लगा करके इसको हम कुछ तरीके से छील लेते हैं। तो इसके पहले आप इसको धो जरूर लें, क्योंकि धोना सब्जियों का बहुत ज़रूरी है। और आप पिलर की सहायता से या चाकू की सहायता से इसको छील लें। तो देखिए अब हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं, ये कड़वा नहीं है और ज़्यादातर इसका छिलका ही कड़वा होता है, अंदर ये कड़वा नहीं होता है। तो बस इस तरीके से हमें इसको कद्दूकस कर लेना है और ये बड़ी आसानी से कद्दूकस हो जाएगा। और इसके बीजे नहीं निकालने, यदि कड़े बीजे हों तो निकाल दें, मुलायम बीजे हों तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। अब मैंने छिले हुए कूटू का आटा लिया हुआ है, क्योंकि व्रत में ये कूटू का आटा खाया जाता है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसको खा सकते हैं और ये आपको दुकान में मिल जाएगा और ये वेज है। तो देखिए मैंने एक कप लिया है, आप इसको हम इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पर जो पानी डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि खीरा भी पानी छोड़ता है, इसलिए ज़्यादा एक साथ पानी बिल्कुल ना डालें। तो देखिए मैंने एक कप पानी इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें 3 से 4 चम्मच हम दही डाल देते हैं, दही बिल्कुल खट्टा ना लें, इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं फूलने के लिए। तो 10 मिनट में ये अच्छे से फ्लॉपी हो जाएगा, 10 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये फूल गया। अब इसको बहुत अच्छे से हम फेंट लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं, ये जीरा दरदरा कूटा हुआ है। और अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, तो ये मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है, आप जो भी नमक खाते हो आप डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम इसको व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सात्विक तरीके से इसको बनाएंगे। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं, यदि आप हरी मिर्च या धनिया नहीं खाते हैं तो ना डालें। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हमें साबूदाना नहीं डालना है, इसको हम बनाएंगे देसी घी से और बहुत ही कम इसमें देसी घी लगेगा। तो देखिए तवा मैंने रख दिया था, गर्म हो गया है, तो इसका टेम्परेचर मैंने पानी डाल करके सही कर दिया और अब इसमें मैंने घी लगा दिया। थोड़ा सा ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये कम घी का नाश्ता बनेगा जो व्रत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब इसको हम धीरे धीरे कुछ फैला देते हैं, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। तो एक साइड ये बहुत अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं और अब हम इसको धीरे से पलट देते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे, जिससे कि दोनों तरफ ये अच्छे से पक जाए, कच्चा बिल्कुल ना रहे, थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए। बस प्रेस करके हमें कुछ इस तरीके से इसको पकाना है, बहुत अच्छे से हमें पका लेना है। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम आपको दूसरा भी बना करके दिखाएंगे। तो मैंने ग्रीस किया, अब हमें पानी नहीं डालना है इसमें, बस हल्का सा ग्रीस कर लिया घी से और बस फैला दिया। गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है मैंने। अब आप देख सकते हो कि ऊपर से ये सूखने लगा है, तो इसमें फिर थोड़ा सा मैंने देसी घी लगा दिया और पलट दिया। अब आप समझ सकते हो कि कितना झटपट बनने वाला है खीरा, वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस नाश्ते को शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर हमारा तैयार है। तो झटपट हम इसी तरीके से सब बना लेंगे और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल बनाने में समय नहीं लगता और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। साथ में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कूटू का आटा भी ठंडा होता है, इसलिए जब भी आप इसको बनाएं
तो आप निसंकोच होकर इसको खा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। ये एक व्यक्ति के लिए परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसके साथ खाने के लिए मैंने ये रायता बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च डाली हुई, साथ में थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डाली हुई है। और ये दही ज़्यादा खट्टा ना लें, क्योंकि ज़्यादा खट्टा दही थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और इसमें मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है। तो हमारा बढ़िया सा यमी नाश्ता बनकर तैयार है व्रत के लिए। तो आप इस तरीके से व्रत का नाश्ता बना सकते हो और खा सकते। तो दोस्तों, यदि ये हमारी व्रत की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।